खरगोन कलेक्टर कार्यालय के बाहर खारक डैम प्रभावितों का धरना आज 15वें दिन भी जारी रहा। आगामी 29 तारीख को खरगोन दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी घेराव करने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि खरगोन बड़वानी जिले के कुल 7 गांवों के सैकड़ों डूब प्रभावित परिवारों को कोर्ट के आदेश के बावजूद मुआवजा राशि वितरित नहीं की गई है। ऐसे में परिवार पिछले 15 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पीड़ितों ने बताया कि शासन प्रशासन स्तर पर उनकी सुध नहीं ली जा रही है। उन्होंने मांग की है कि उचित मुआवजा राशि लेने के बाद ही धरना खत्म करेंगे। साथ ही चेतावनी दी कि आगामी 29 तारीख को खरगोन दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री शिवराज का भी घेराव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश 3 जीआरए बिठाने के लिए खरगोन में बिठाया था, वो 2008 की पुनर्वास और 2002 की पुनर्वास तहत इनके आवाज करने के लिए आदेश दिया था। 3 जीआरए ने अलग अलग आदेश किया है और उनके आवाज पारित किया है, लेकिन शासन प्रशासन उसी आदेश का उल्लंघन कर रहे और उसी आदेश का पालन नहीं कर रहे, इसलिए हमने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे। हमारा पूरी मांग पूरी नहीं होती जब तक हमारा धरना चालू रहेंगे। हम 29 तारीख सीएम साहब हमारा बीच में आना चाहिए और हमारा निराकरण करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम फिर पूरा प्रदेश का आदिवासी एकत्र करके हम आंदोलन करेंगे। शिवराम कना से जागृत आदिवासी दलित संगठन। देखिए, ये खारक डैम डूब प्रभावित लोग जो 7 गांव प्रभावित है, जिसमें बड़वानी और खरगोन जिले के गांव हैं, और ये 2012-13 से स्टार्ट हुआ और 16-17 में कंप्लीट हुआ, और जो मुआवजा है वो डैम कंप्लीट होने के बाद भी 4.5 साल होने के बाद भी मुआवजा नहीं मिलना, वो एक गंभीर बात है और इस प्रदेश की और देश की सरकार के लिए शर्म की बात है कि हमारे जो किसान हैं वो आज 15वें दिन हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, और कोई भी जिम्मेदार आदमी, कोई ऐसी जिसपे कि इसकी बात पे हम आगे बढ़ सके ऐसी कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। और तो और पिछले दिनों खूब बारिश हुई, हवा भी चली, उसमें पानी मतलब घुटने घुटने तक पानी भर गया और उस पानी में भी हमारे जो साथी हमारे भाई बैठे रहे, तो ये शर्म की बात है। दूसरी जो बड़ी बात है कि ये 15 दिन तक यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं, कलेक्ट्रेट माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय के बंगले कार्यालय के सामने बैठे हैं और वहाँ पर इनको न तो पानी के बारे में पूछा जा रहा, न खाने के बारे में, न ही उनके और कोई व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। तीसरी जो बात बड़ी बात है कि जब कोर्ट का आदेश हो गया है ना, और उसके बावजूद भी 50% राशि का ही भुगतान हुआ है, यहाँ ग्रीवांश जो ये जीआरए बनाना था है ना, वो भी गठित नहीं किया और कई सारे बहाने करके, और आज 15वें दिन में भी इस संवेदनशील मुद्दे को ना प्रदेश सरकार ना यहाँ के स्थानीय प्रशासन संज्ञान में ले रहा है, ये तो बहुत गंभीर बात है। अभी भी वक्त है, हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इनकी बातों को गंभीरता से लें, और जो लोग आते हैं वो हमारा जो धरना है, हमारे साथियों का धरना है, वो एक संवैधानिक धरना, उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो हमारी तो छोटी सी राशि 3 करोड़ रुपए की बात है, 3.75 करोड़ रुपए की बात है, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको तुरंत चेक वितरित कीजिए और ये धरना खत्म हो जाएगा। तो ये धरना तभी खत्म होगा जब तक कि इनको इनके हक के पैसा नहीं मिल जाए। दूसरी जो बड़ी बात है कि आपने डैम बना दिया, उस पर अपना काम चालू कर दिया और इनको विस्थापित कर दिया, विस्थापित करने के बाद में मुआवजा नहीं दिया, ये तो घोर अन्याय है, इनके ऊपर तो केस बनता है। तो आने वाले टाइम पे लीगली लड़ाई क्या लड़ सकते हैं उस पर भी हम विचार करेंगे, और जो भी मुआवजा मिले, हम एक बात और जोड़ना चाहते हैं कि जो सरकार की गाइडलाइन है प्रथम वर्ष 15% के ब्याज की दर से और उसके आने वाले अगले जो जितनी भी देरी हो रही है 12% के ब्याज से इनको मुआवजा मिलना चाहिए, और जो जो गाइडलाइन सरकार की पूर्णतः मुआवजा मिले तभी हमारा जो आंदोलन है वो खत्म होगा। क्या नाम लिखते हैं आप? पोरलाल करते, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम मेंदिया पानी, तहसील वरला, जिला बड़वानी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।